भाई साहब ओंकार की तो हालत टाइट हो चुकी है। छोले भटूरे हैं गरम गरम। हाँ। आ रही है मुझे शर्म शर्म। हाय हाय जरा सामने का व्यू तो दिखाओ हमारा। एक जो चीज होती है ना, बंदा ऐसे मौत को छू के टक करके वापस आता है, वो शक्ल कैसी होती है अभी आपको दिखाने लगी है। पहले चाय बनवा लेते हैं। हेलो फूडी फूडी वी मेट्रो गाइस, हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ नोका कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। पिछली वीडियो में हमने आपसे मांगे थे फूड डेयर, और मैंने ये सच्ची नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उस वीडियो पे आ जाएंगे 15,000 कमेंट फूड डेयर से रिलेटेड। और उन 15,000 फूड डेयर में से हमने चूज करे हैं कुछ गिने चुने डेयर, और वो डेयर्स आपके लिए तो बहुत एंटरटेनिंग होने वाले हैं, हमारे लिए उतने ही मुश्किल होने वाले हैं। तो ये वीडियो डिवाइड होने वाली है दो पार्ट में। तो पहला पार्ट होगा हमारा खतरनाक, और अगर इस वीडियो पे आते हैं 1.5 लाख लाइक तो अगली वीडियो होने वाली है इससे भी ज्यादा धमाकेदार। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू। टीचर ओंकार को स्कूल में बोला करती थी, ओंकार होमवर्क नहीं किया स्टैंड ऑन द चेयर, ओंकार मैं बताऊंगी तुम्हें कौन सा करना है सीधा डेयर बता। ऐसी वाहियात शायरी वगैरह मार के ना मेरा मूड ना खराब कर। तो काश जी ने ओंकार को डेयर दिया, ला पिनोज का बर्न टू हेल पिज्जा खाओ जोलो चिप्स के साथ। बिल्कुल मेरे मतलब वाला डेयर है, तो जाके लेके आते हैं बर्न टू हेल और उसको सच में बर्न टू हेल कर देते हैं। ये है जोलो चिप जो कि निकाल देगा ओंकार के सारे चिप। और ये है जी बर्न टू हेल। और सच्ची बोलू मतलब ये तो ना देख के आई एम नॉट फीलिंग वेल, सच में आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी गुड। मैं ना पहले सोच रहा हूँ एक स्लाइस का ना मतलब वैसे ही बाइट मार के देख लूँ कि कितना की हेल वाली चीज है। कुछ भी नहीं है, अभी 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 सब कुछ हो जाएगा, रुको। लग रहा स्पाइसी, बाद में वो जो सॉस है ना फील हो रही है कि हाँ स्पाइसी है। ओह भाई सब इसको तो दूर ही रखो, ये किसी बम्प तक से कम नहीं है। इतने ज्यादा खतरनाक डेयर्स दिए ना आपने, सच में हालत खराब होने वाली है। इसी बात पे ना जरा वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज लाइक कर दो। भाई साहब मैं बता रही हूँ ओंकार एक काम करो, पिज्जा का स्लाइस ऐसा होता है ना मतलब ये तो पूरा मैच ही कर गया। नहीं नहीं ऐसे नहीं डालूंगा, मैं बता रही हूं मेरा डेयर है चिप इसी के लिए बन रहा है। नहीं 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 ऐसे नहीं खाऊंगा, इसको चूरा करके ऊपर डाल दे यार। मतलब वो एक बारी में खाना ना ज्यादा डरावना है, थोड़ा चूरा चूरा हाथ से चूरा चूरा कर देना। वो भाई लग रहा है गया गया हो गया काम, हो गया मेरा काम। इसकी स्मेल ही इतनी खतरनाक है ना, डर लग रहा है आंख में ना चला जाए। पहली बाइट में ही डाल देते हैं एक तो। भाई साहब जरा एक बारी चेक कर लो कितना टॉक्सिक है ये, कितना खतरनाक होने वाला है मेरे साथ। मतलब खा ये रहा है, पेट में गुड़गुड़ मेरे होने लग गई है। ओ भाई साहब प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही सीरियसली जोलो चिपना बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही गंदा। हट भी नहीं रहा खाने से, इतना ढीठ आदमी देखे ना मुझे कुछ होने लग गया। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, बल्ले बल्ले ओंकार चैंपियन चैंपियन एंड गल बात। बस यार बस 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 इतना सा बचा, रहने दो रहने दो, बस इतना सा बचा। और अब जो ये स्पाइस की हीट है ना एकदम से अभी बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। तू की तड़प रही है यार मुझे, क्योंकि मैंने एक बार ना पूरा जोलो चिप खाया था, मुझे पता है कि अगले दिन क्या फील होता है यार। लग रही है ये पानी कुछ नहीं कर सकता, दूध कुछ नहीं कर सकता, जोलो चिप अगर आपने खा लिया था उसके बाद लाइक कर देना यार प्लीज। तो भाई साहब ओंकार की तो हालत टाइट हो चुकी है, तो ये अभी अपनी मिर्ची का करते हैं इलाज और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट डेयर जो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस डेयर का आगाज होने वाला है बहुत ही बढ़िया शायरी से। ओंकार नहीं हो रहा मोटा, उसके कपड़े हो रहे हैं श्रिंक। अगला चैलेंज है ईट मैगी कुक्ड इन कोल्ड ड्रिंक। यार ये कोल्ड ड्रिंक में ना कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं कि ऐसा गैस पर डालो पटाखा फूट जाए। हमने ना मैगी बनाई है ब्लैक वाटर में, बट वो फिर भी वाटर था। कोल्ड ड्रिंक में हमने मैगी कभी ना सोची ना बनाई। और ये जो डेयर दिया ना वो दिए किरण नागपाल जी ने, पहली मैं बता दूंगा आपको। आग ना लग जाए यार, पर ये वो लोग हैं जिनको मैगी बनानी तक नहीं आती है भाई। कप में तो डाल देती, मेजर तो कर लेती, मतलब मैगी जो है ना ऐसी नहीं है ये, यार साइज डेलिकेसी है। मेरे को गैस ऑन करने में डर लग रहा है यार, तो मुझे यार डेयर इसका करना मेरे को पड़ रहा है। अरे कोल्ड ड्रिंक में नमक डालते फिज नहीं होता, छोटे बच्चे ऐसे खुश होते हैं। अभी डर रही थी, अब ये कर रही है। बट इमेजिन करो हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा स्वाद निकले, खट्टी मीठी, सही बात है, मजा आ जाएगा कसम से। ओए होए 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 यार,
वैसे ना मैगी कोक के अंदर नहाई है पता नहीं लग रहा, क्योंकि इसका रंगत बिल्कुल नहीं बदला है, टेस्ट बदला नहीं बदला, वो खा के पता चलेगा। चलो भाई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं है। और ले हाँ। पर मैं डरा भी बिल्कुल हुआ हूँ, क्योंकि मैगी जो है ना उसके साथ मतलब इमोशन जुड़े हुए हैं, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करे और वो अच्छी ना हो बर्दाश्त नहीं होएगा, कुछ ज्यादा लगी हुई है। आज मुझे ये पता लग गया कि कोल्ड ड्रिंक में कितनी चीनी होता है। जो बंदा मीठे का भी शौकीन होता है ना, इसको खाने का मीठे से नफरत हो जाएगी उसको। सही बात है, बहुत ही अजीब सा है। नीचे कमेंट कर दो जस्टिस फॉर मैगी। जस्टिस फॉर मैगी तो होती रहेगी। ये तेरा डेयर था, खत्म कर इसको। खत्म कर इसको, खत्म कर, पूरी की पूरी मैगी खाएगी मुक्ति। उसके बाद हम चलते हैं अगले डेयर की ओर। तो भाई साहब अगला डेयर और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आपको पता है मुक्ति है एकदम बेशरम, तो इसको हमने डेयर दिया बेशरम वाला। और ये डेयर हमें दिया मनन गेमर ने, ये डेयर है टेक छोले भटूरे एंड गो इन सेंटर ऑफ द रोड एंड ईट देम बाय फेसिंग द ट्रैफिक। ओ माय, ये मेरा बचपन का सपना है। सही बात, मैं जब चौक देखती हूँ ना चंडीगढ़ के, मेरा मन करता है वहाँ बैठ के पिकनिक मनाऊं। तो आज मेरा सपना है पूरा होने का। मुझे थोड़ी सी शर्म आने लगी है। अगर तेरा बचपन का कोई और ऐसा वाहियात सा सपना है तो टूट चुका है, टूट चुका है। नहीं नहीं बता दो, अब भी पूरा करेंगे। चौक भी हमने ना वो वाला सिलेक्ट किया जहाँ पे रश सबसे ज्यादा हो। इतने बदतमीज इंसान, ये देखो खाली सा चौक देख लो, सबसे भरा हुआ चौक यार। ये दोनों बेशरम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने, और उधर लिखा हुआ है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। बैठे मुक्ति अपना पिकनिक मनाओ चौक पे, अगर तुम भी बैठ जाओ, तुम तो फोन से हो इसके। लोग अनशन पे बैठते हैं चौक पे, हम अन्न खाने के लिए बैठे हैं चौक पे। छोले भटूरे हैं गरम गरम। हाँ। आ रही है मुझे शर्म शर्म। हाय हाय हाय, जरा सामने का व्यू तो दिखाओ हमारा। सारे इधर ही देख रहे हैं, सारे इधर ही देख रहे हैं। फूड रिव्यू तो ना आज बनता है चौक के बीच में, ये बेशरम होके खा के बताने में, साथ में पोल्यूशन का धुआं, मतलब सब कुछ। ओए होए क्या टेस्ट आएगा। कीड़े भी आ रहे हैं बीच बीच में घास से फुदक फुदक के। तो भाई साहब ये लो, जिसने ये डेयर दिया था ना, अब खुश हो जाओ मुझे देख के यहाँ पे। खुश तो तू हो, मेरा बचपन का सपना पूरा हो रहा है। शर्म थोड़ी सी आ रही है, अब धीरे धीरे जा रही है शर्म। पहली बारी की शर्म होती है, बहुत ही जल्दी चले जाती है। मतलब लोग कैंडल लाइट डिनर करते होंगे, लोग बड़े बड़े रोमांटिक डिनर करते होंगे, कभी किसी ने ऐसे नहीं किया होगा। अच्छा लग रहा है, यम्मी है, मजा ही आ गया। इस टाइम ना मैंने बस ये इमेजिन किया हुआ है कि मैं किसी अच्छे से पार्क में बैठी हूँ और आसपास कुछ नहीं है। पार्क तो अच्छा है चंडीगढ़ के चौक, पार्क बहुत अच्छा है, बट जो आसपास का नजारा है ना गाड़ियों वाला, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। म्यूजिक है मेरे लिए, पे 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 पे। अगला जो डेयर है ना वो होने वाला है बिल्कुल एंड गर्ल बात। तो तेरे लिए ना मैंने पर्सनली ये डेयर सिलेक्ट किया है। तो डेयर जो है ना वो दिया है स्वयं घ्यास जी ने, और जो डेयर है ना गरम गरम चाय तीखी तीखी मिर्च के साथ। आए हाए, आए, मुझे पहले पता था, मुझे पहले पता था मेरी वार्ड लगाना चाहते हैं लोग। तीखी मिर्च की बात हो रही है तो जी भूत जलोकिया स्टूडियो से ये लेके आए हो स्पेशल मेरे लिए स्पेशल। ये बंदा ना चाहता ही नहीं कि मैं सांस लूं अच्छे से। एक मेरे को मिर्च खानी बहुत गंदी लगती है, स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक जो चीज होती है ना बंदा ऐसे मौत को छू के टक करके वापस आता है, वो शक्ल कैसी होती है अभी आपको दिखाने लगे हैं। पहले चाय बनवा लेते हैं। तो दत्ते जी अपनी गरम गरम चाय को पकड़िए। ओंकार मैं तुम्हें एक वो देता हूँ, मैं तुम्हें ना 1000 रुपए दूंगा। हाँ। ये मेरा चैलेंज कैंसिल। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। इस टाइम पे लाखों की बात भी हो जाए तो भी मैं बिकाऊ नहीं हूँ, करोड़ों की बात है तो बात अलग है। बोल रहा हूँ करोड़ों की बात हो ही नहीं सकती। तो सिंपले मैं लोगों को ये दिखाता हूँ, स्पेशल डब्बा खुलने वाला है आदित्य गौतम जी के लिए। इसकी शक्ल ही डरावनी है, ये पक्का ऐसा लग रहा है किसी की जान लेके तो जाएगी जाएगी। पहले मिर्च खानी है फिर चाय पीनी है? पहले चाय पी, चाय तो मैं पी लूंगा। कुछ कहूंगा, मेरी बात लगी बड़ी है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना टाइम पे। 3, 2, 1 खा। आखिर सचा तो मुझे जोलो चिप दे देते, मैंने जोलो चिप खाया हुआ है, मेरी उसमें इतनी वाट नहीं लगी। अभी वाट लगनी शुरू हुई है, ये जो हीट है ना ये हौली हौली बढ़ती है और बहुत ही एक्सट्रीम तक जाती है, और ऊपर से गरम गरम चाय। पर एक चीज अच्छी है, इसमें मीठा डाला हुआ है, मीठा काम करता नहीं है। गरम चीज खाने के बाद आप चाय नहीं पी सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसका तो बुरा हाल होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट डेयर दिखाते हैं।
लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और जो अगली चीज है ना मुक्ति, तुझे बनाना पड़ेगा पकौड़ा। और ये पकौड़ा जो है ना कोई नॉर्मल पकौड़ा नहीं होने वाला है, ये होने वाला है ओरियो का पकौड़ा। और ये खतरनाक डेयर दिया गया है वाणी तनेजा के। ये रहा बेसन का घोल और ये रहा हमारा ओरियो। बेटा जा अंदर डूब जा। यार मैंने ना सिर्फ बेसन के अंदर ना पानी डाला, कुछ नहीं डाला, ना नमक ना कुछ। मैंने बोला सिंपल पकौड़े बनाएंगे, क्या पता अच्छे बन जाए, है ना। भाई साहब ऐसे लग रहा है कि मुक्ति ना पहले रेडियो में ब्रेड पकौड़े तलती थी प्रॉपर, ऐसे ऊपर तेल छिड़कते यार इन पकौड़ों की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। पकौड़े ना अक्सर टेढ़े मेढ़े होते हैं, अच्छा हुआ ना तुमने देने वाली। मैं एक सजेशन दूंगी कि बेसन की जगह अगर इसके ऊपर आटा लगाया जाए ना तो सच्ची में गरम गरम केक की तरह निकलेंगे। सच्ची बोलूं मतलब जो ओरियो का टेक्सचर है ना गरम हो गए पिलपिलासा हो गए वो सच में अच्छा लग रहा है। बेसन इसके साथ इतना ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा जो मैंने सोचा था, उससे फार बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ, बट मुझे अच्छा लगा ये। तो अगला जो डेयर है ना वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं गोल गप्पे। और जो डेयर है ना वो दिया है खुशी 1177। रेडी पे जाओ, 2 मिनट का गोल गप्पा चैलेंज करो विद ए रैंडम पर्सन। भैया 2 मिनट में बंदा कितने गोल गप्पे खा सकता है? आपका टाइम भैया बुलाने बिल्कुल शताब्दी वाली स्पीड पे है। बिल्कुल भैया को रेडी करने देते हैं, फिर हम टाइमर करते हैं अपना स्टार्ट। भैया भी पूरे मतलब की है लाइन लगा देती है गोलगप्पों की। तो जी टाइमर कर रहे हैं हम स्टार्ट। चलो भैया टाइम स्टार्ट है। गोलगप्पा दो, बस गले भी नहीं फंसना, गले भी नहीं फंसना। हाँ आराम से 7 गोलगप्पे इन 30 सेकंड्स। जीत गई मैम, जीत जाएंगे पक्का। 11 सेकंड पे 20 गोल का। अभी भी जगह वैसे बची होगी ना, एक शगुन के लिए और खिला दो, 21 कर दो। ये आपके 1000 रुपीज गिफ्ट। ये डेयर भी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका हुआ है। हेलो जी, हेलो जी, अब नेक्स्ट डेयर दिखाते हैं आपको। बचपन में मेरी ड्रीम थी होए मेरे पास साइकिल विद गियर, और अब मैं बताने लगा हूँ आदित्य को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा डेयर। मेरे को ना डेयर ये पक्का स्पाइसी वाला देगा, मुझे पता है इसका। नहीं नहीं, इस बारी खतरों के खिलाड़ी करेंगे हम, ठीक है? चलो बताओ। तो जी डेयर दिया गया 50 शिवम 10 बी, गो टू स्ट्रीट वेंडर एंड टेक हाईएस्ट प्राइस फूड फ्रॉम हिम एंड ईटिंग इट, से टू स्ट्रीट वेंडर I don't have the money. तो मुझे किसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाके उनको बोलना है उसका खा लेना खाना, खाते हुए बोलना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। That is difficult. बेशर्मी चाहिए इसमें। तो भाई साहब स्ट्रीट वेंडर के पास तो हम आ गए हैं, पर ना थोड़ा सा रश है, और मैं कसम से बताऊं मैं ना बहुत शर्माता हूं पब्लिक प्लेस पे। ये ओंकार धकधक हो रही है, धकधक नहीं हो रही, बहुत ज्यादा धकधक हो रही है। इससे अच्छा तो ना मुझे बंजी जंपिंग दोबारा करवा देते लोगों के सामने ऐसी हरकतें करने से अच्छा तो, बट मैं करूंगा आप लोगों के लिए करूंगा। तो इसी बेशर्मी के लिए ना वीडियो को लाइक कर देना, और वो बंजी जंपिंग अगर देखनी है तो OMG व्लॉग देख लेना। चल एंड एक प्लेट मोमोज कर दो वेज। बहुत गर्म है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। फिर पैसे तो दे दे। तुम नहीं लाए पैसे? पैसे तेरे काम है पैसे वाला। मैं नहीं लाया पैसे मुझे। तुम सच्ची पैसे? मैं सच्ची वॉलेट ही नहीं लाया मैं। हैं? फोन पेटीएम आंटी यूज ही नहीं करते हम। आंटी कल दे दें आपको पैसे, चल जाएगा। अरे नहीं इसे ले लो, ये पहले भी लोगों के पैसे लेके बैठा हुआ है। अरे सच्ची कह रहा हूँ, और पैसे अभी लो इससे, कोई माफ ना करो। मैं किसी के पैसे नहीं लिया आंटी, पहली बार भूल रहा हूँ पैसे मैं घर पे। शाम को कितने बजे आते हो आप? 6 बजे
सवा छह पैसे दे जाऊंगा आपको। इतनी भोली शक्ल है मेरी, मैं यहाँ आता रहता हूँ, मुझे पकड़ लेना कभी भी रस्ते। ये भोली शक्ल पे मत जाओ, इसके पीछे जो दरिंदा बैठा हुआ ना लोगों के पैसे लेके भाग जा रहा है। सच्ची बोलूं, मजाक कर रहे थे हम ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो उस पर डेयर मिला हुआ था कि किसी के पास जाके उसको पैसे नहीं देने, पर हम आपको पैसे जरूर देंगे। आंटी बड़े अच्छे हैं, आंटी कह रहे कोई नहीं कल दे देना। बट एक चीज है, कभी भी ना जो बंदा मेहनत कर रहा है उसके पैसे लेके बैठो मत, मतलब उसका हक बनता है यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। अगर आप बोल, अगर आप भूल भी जाते हो पैसे तो अगले दिन दे दो जाके। हाँ तुम कार भाई, ये वाला डेयर तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बंदे ने लिख के भेजा है। ओके, प्रांजलि कुलकर्णी कह रही हैं। ओके, डेयर फॉर चैंपियन। आय है, आय है, वेरी गुड। गो टू द जिम एंड हैव वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ड्यूरिंग वर्कआउट, नॉट आफ्टर वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट। यार देखो डेयर बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट कुलकर्णी जी मतलब थोड़ी सी दिक्कत है। व्हाई ओनली वन स्लाइस? अगर मेरा पूरा स्लाइस खाने का, मतलब पूरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो मुझे पिज्जा खाने का बोल देते ना। वैसे ओंकार के लिए पिज्जा खाना डेयर नहीं है, ओंकार के लिए वर्कआउट करना डेयर है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं जिम में, करते हैं वर्कआउट और साथ में खाते हैं पिज्जा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। देखो पहले मैं ना बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा हूं अभी, मेरे से वर्कआउट जो है ना अच्छे से लग नहीं रहा है। आधी थोड़ी एनर्जी खिला मुझको जरा, दो रैप लगाओ। एनर्जी आ गई, चल चल चल, छावा छावा। मुझे लग रहा है मेरे ट्रेनर को ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एक बार ट्रेनर को भी। अरे क्या बात है, क्या बात है, मेरे मेरे और लगा एनर्जी कम हो गई। क्या रहा है, रैप कम लगा या बाइट ज्यादा लगा ले? अब लगा छावा, एक और पांच पांच और लगा ले, वो मसल फट के बाहर आ जाऊंगा बस। नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, लगा लगा। भाई साहब ओंकार ने जिस तरह से डेयर पूरा किया, गजब मजा आ गया जिंदगी का। अब और अजब से गजब से डेयर दिखाते आपको। तो गाइस वीडियो में रुकावट के लिए हम मांगते हैं आपसे क्षमा, पर पार्ट वन हमें करना पड़ेगा यही पे समाप्त, और पार्ट टू के लिए आपको करने पड़ेंगे इस वीडियो पे 1.5 लाख लाइक्स, तभी डलेगा इस वीडियो का पार्ट टू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके बता दो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जल्दी से रीति रिवाज पूरे कर दो, आपको मिलते हैं हम इस वीडियो के पार्ट टू में।